हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अभी MPL पुकार पजल गेम थोड़ा बहुत अपडेट हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कैसे आप लोग अभी MPL में पुकार पजल गेम को खेल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहले आपको बता दूं, अगर आप MPL में पुकार पजल गेम को खेलना चाहते हो तो पहले आपको जानना पड़ेगा पुकार में कार की कॉम्बिनेशन कैसे बनता है और कौन सी कॉम्बिनेशन का वैल्यू ज़्यादा होता है और कौन सी कॉम्बिनेशन का वैल्यू कम होता है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो आपको दिक्कत लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही MPL पोकर पजल गेम के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के मेरा चैनल में अपलोड कर दिया है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप लोग उस वीडियो का पहला पार्ट देख लोगी, मतलब पहला कुछ मिनटें देख लोगी, तो आप लोगों को अच्छा से पता चल जाएगी कैसे पोकर गेम में कार की कॉम्बिनेशन बनता है और कौन सी कॉम्बिनेशन का वैल्यू ज़्यादा होता है, कौन सी कॉम्बिनेशन का वैल्यू कम होता है। तो अगर आप लोग कॉम्बिनेशन कैसे बनता है और कौन सी कॉम्बिनेशन का वैल्यू ज़्यादा, कौन सी कॉम्बिनेशन का वैल्यू कम होता है, उसके बारे में डिटेल में जान लेते हो, तो उसके बाद आप लोग पोकर पजल गेम को कैसे खेल सकते हो उसके बारे में अभी आपको बता दूँ। तो पहले MPL पोकर पजल का अपडेटेड प्राइज के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूँ। तो देखो, पहले MPL पोकर पजल में जितना प्राइज मिलता था अभी थोड़ा बहुत कम हो चुके हैं। जैसे अभी अगर आपको रॉयल प्लस कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो आपको 250 गुना प्राइज मिलेगी, और उसके बाद स्ट्रेट प्लस कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाता है तो आपको 50 गुना प्राइज मिलेगी, और फोर ऑफ ए काइंड कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाता है तो 15 गुना मिलेगी, और फुल हाउस कॉम्बिनेशन से आपको 8 गुना मिलेगी, और फ्लाश कॉम्बिनेशन से आपको 5 गुना मिलेगी, स्ट्रेट कॉम्बिनेशन से आपको 4 गुना मिलेगी, और थ्री ऑफ ए काइंड कॉम्बिनेशन से आपको 2.5 गुना मिलेगी, और टू पेयर कॉम्बिनेशन से आपको 1.8 गुना मिलेगी, और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन पेयर ऑफ जैक्स और बेटर उससे आपको 1.25 गुना प्राइज मिलेगी, और इससे नीचे कॉम्बिनेशन से आपको कुछ भी प्राइज नहीं मिलेगी। जैसे अगर 2-10 का एक पेयर बनता है तो उससे आपको कुछ भी प्राइज नहीं मिलेगी, और 10 से लो वैल्यू का किसी भी कार का 1 पेयर कॉम्बिनेशन बनता है उससे भी आपको कुछ भी प्राइज नहीं मिलेगी, और हाई कार कॉम्बिनेशन से भी आपको कुछ भी प्राइज नहीं मिलेगी। तो अभी चलते एंट्री फी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूँ। तो देखो, अभी मिनिमम आप 1 रुपीज़ से खेल सकते हो, और अगर आप 1 रुपीज़ से खेलते हो तो मैक्सिमम 250 रुपीज़ जीत सकते हो। ऐसे आप लोग 5 रुपीज़ एंट्री फी से भी खेल सकते हो, उसके अलावा 25 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 250 रुपीज़, 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ एंट्री फी से भी खेल सकते हो। और अगर आप 1000 रुपीज़ एंट्री फी से खेलते हो और आपको रॉयल फ्लैश मिल जाता है तो आपको 2.5 लाख रुपीज़ मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 1 रुपीज़ एंट्री फी से लेकर 1000 रुपीज़ एंट्री फी तक आप लोग यहाँ पे खेल सकते हो। और आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, हाई एंट्री फी गेम से जैसे आपका ज़्यादा फायदा हो सकता है ऐसे ही आपका ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। इसलिए आप लोग हमेशा ही छोटा एंट्री फी का गेम खेलो। अगर आप ज़्यादा एंट्री फी का गेम खेलना चाहते हो तो आपका खुद की रिस्क में खेलो। तो अभी चलते आपको बता दो कैसे यहाँ पे आप लोग खेल सकते हो। तो खेलने के लिए पहले आपको यहाँ पे एंट्री फी सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर डील अमाउंट का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है तो उसके नीचे यहाँ पे जो कॉइन का साइन दिख रहा है उसको राइट तरफ करके, अगर आप ज़्यादा एंट्री फी सिलेक्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा एंट्री फी को सिलेक्ट कर लेना। और एंट्री फी सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जिस एंट्री फी से आप गेम खेलना चाहते हो उस नंबर का जो कॉइन है उसको थोड़ा मिडिल तरफ ले आना है, और उसके बाद देख लेना है उस कॉइन थोड़ा ब्राइट दिखा रहा है कि नहीं, उस कॉइन की चारों तरफ थोड़ा ब्राइट दिखाएगी। अगर ब्राइट दिखा रहा है तो आप लोग समझ लो आप लोग वही एंट्री फी से गेम में एंटर हो जाओगे। तो जैसे यहाँ पे आप लोग एंट्री फी सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक डील का ऑप्शन आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, उस डील का ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही उस डील का ऑप्शन के ऊपर टैप करोगी तो आपके सामने ऊपर में टोटल 5 कार्ड आ जाएगी। तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर देखना है क्या 5 कार्ड आया है। तो देखो, अभी जो 5 कार्ड मिला है, अगर उस 5 कार्ड में से किसी भी 2 कार्ड या 3 कार्ड या 4 कार्ड या 5 कार्ड के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो उस 2 या 3 या 4 या 5 कार्ड को MPL ने थोड़ा ब्राइट करके दिखाएगी। तो पहले एक हैंड की साइन से दिखाता था लेकिन अभी ब्राइट करके दिखाता है। तो आपको क्या करना है, जो भी कार ब्राइट हो जाता है तो आपको क्या करना है, उस कार के ऊपर टैप कर देना है। अगर 2 कार ब्राइट दिखाता है तो 2 कार के ऊपर टैप करना है, 3 कार दिखाता है तो 3 कार के ऊपर टैप करना है। अगर सारे 5 के 5 कार ब्राइट हो जाता है तो आपको क्या करना है, सारे 5 कार के ऊपर टैप कर देना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे जो 5 कार मिला है उसमें से किसी भी कार को यहाँ पे ब्राइट करके नहीं दिखा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे जो 5 कार मिला है ना उसमें से किसी भी 2 या 3 या 4 या सारे 5 कार के अंदर किसी भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अगर बन जाता तो यहाँ पे उस कार को ब्राइट करके दिखाता, लेकिन मैंने जो नेक्स्ट गेम प्ले करूँगा उसमें आपको दिखाऊंगा कुछ कार को MPL ने ब्राइट करके दिखाएगी। तो अभी चलते आपको बता दूँ, यहाँ पे 5 कार मिलने के बाद जो भी कार ब्राइट करके दिखाता है तो आप लोग उसके ऊपर टैप करके लग कर दे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे जो 2 कार का ऑप्शन दिख रहा है आपको क्या करना है, उसके ऊपर टैप कर देना है। तो जैसे ही टैप कर दोगी आपने जो कार को लॉक कर लिया वो कार रह जाएगी, और जितना कार को आपने लॉक नहीं किया, मतलब समझ लो आपने 3 कार को लॉक नहीं किया, तो वो 3 कार हार जाएगी और उसके बदले में रैंडम 3 कार आ जाएगी, और उसके बाद 5 कार का जो कॉम्बिनेशन बनेगी उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको प्राइज मिलेगी।
और अगर डील का ऑप्शन के ऊपर टैप करने के बाद जो 5 कार आता है उसमें से किसी भी कार को ब्राइट नहीं दिखाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मुझे जो 5 कार मिला है उसमें से किसी भी कार को यहाँ पे ब्राइट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो किसी भी कार के ऊपर टैप करके किसी भी कार को यहाँ पे लॉक कर सकते हो, नहीं तो किसी भी कार को लॉक ना करके ही यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन के ऊपर टैप कर सकते हो और यहाँ पे जो 5 कार ऊपर में सारे कार हार जाएगी उसके बदले में रैंडम 5 कार आ जाएगी और उसमें जो कॉम्बिनेशन बनेगी उसके हिसाब से आपको प्राइज मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैं जे और के को लॉक करना चाहता हूँ, तो चलिए दो कार को यहाँ पे लॉक कर ले। अभी यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन के ऊपर टैप करते और देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे देखो जे और के को मैंने लॉक कर लिया था, वो नहीं हटा, बाकी तीनों कार हट गया और उसके बदले में यहाँ पे 3 रैंडम कार आ गया। लेकिन यहाँ पे जो 5 कार लास्ट में हो गया तो उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना और यहाँ पे मुझे कुछ भी प्राइज नहीं मिला। तो चलिए और एक गेम प्ले करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मुझे जो 5 कार मिला है उसमें से 2 क्यू से यहाँ पे क्यू का पेयर बन सकता है और इसलिए यहाँ पे 2 क्यू को थोड़ा ब्राइट दिखा रहा है। तो अगर मैं 2 अलग टाइप के क्यू के ऊपर टैप करके 2 अलग टाइप के क्यू को लॉक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो ड्रॉ का ऑप्शन है उसके ऊपर टैप कर देता हूँ, तो यहाँ पे मिनिमम 1 पेयर का कॉम्बिनेशन से जितना पैसा मिलता है उतना पैसा तो मुझे मिल जाएगी और मैक्सिमम उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। अगर यहाँ पे बाकी जो 3 कार को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसमें से किसी भी क्यू आ जाता है तो यहाँ पे 3 पेयर भी बन सकता है, लेकिन मिनिमम यहाँ पे 1 पेयर तो बन ही जाएगी क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 कार को लॉक कर लिया। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे किसी भी कार यहाँ पे थोड़ा ब्राइट दिखाता है तो आपको कहना है उस कार को यहाँ पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के लिए आपको कहना है उस कार के ऊपर जस्ट टैप करना है। तो पहले हैंड की साइन से दिखाता था, लेकिन अभी देखो यहाँ पे जो कार यहाँ पे लग करना है उस कार को थोड़ा ब्राइट तरीके से आपको यहाँ पे दिखाता है, यही आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप कार को लग कर लोगे तो उसके बाद ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ का साइन के ऊपर टैप कर देना है तो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी और उसके बाद जो कार को आपने लॉक नहीं किया वो कार के बदले में और कुछ कार आएगी तो उसमें से जो भी कॉम्बिनेशन बनेगी उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइज मिलेगी। तो ऐसे ही आप लोग अभी MPL में पोकर पजल गेम को खेल सकते हो। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर किसी भी कार यहाँ पे ब्राइट नहीं होता है लेकिन उसको आप लॉक करना चाहते हो तो आप लोग उसके ऊपर टैप करके उस कार को लॉक कर सकते हो। तो अभी MPL पोकर पजल में जो भी चेंज हुआ है वो है NTP, अभी आप ज़्यादा NTP से एंटर कर सकते हो और उसके अलावा यहाँ पे प्राइस थोड़ा बहुत कम हो गए हैं। और यहाँ पे जो भी चेंज हुआ है वो है पहले 5 कार मिलने के बाद अगर किसी भी 2 या 3 कार से कॉम्बिनेशन बन जाता था तो आपको उस 2 या 3 कार को लॉक करने के लिए आपको एक हैंड का साइन दिखाता था, लेकिन अभी आपको हैंड की साइन नहीं दिखाता है, अभी आपको उस 2 या 3 कार को थोड़ा ब्राइट करके दिखाता है और आपको लॉक करने के लिए बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर किसी भी कार यहाँ पे ब्राइट दिखाता है तो उसके ऊपर टैप करके लॉक कर देना है। तो अपडेटेड MPL पोकर पजल में क्या क्या चेंज हो गया है और अभी आप लोग कैसे खेल सकते हो सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को बता दिया और यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे गेम प्ले भी करके दिखा दिया। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला, आपका थोड़ा बहुत फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि अगली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।